वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम एक बहुत ही ज्वलंत, जो वर्तमान में सब लोगों के सामने एक समस्या के रूप में उभर कर आया है, वह है पेट्रोल की बढ़ती कीमत। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल की बढ़ती कीमत आखिर कारण क्या है, आज की जो क्लास है वो हम इस पर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश का जो विकास है वह उसके पास उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों पर बहुत हद तक निर्भर करता है, क्योंकि जो आधुनिक देश हैं उनका औद्योगिकरण हुआ है, और जिस देश के पास औद्योगिकरण की गुंजाइश है या जो औद्योगिकरण में लिप्त है वह बहुत तेज़ी से विकसित अवस्था में है। और औद्योगिकरण की जो पहली शर्त है वह है ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता। और जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, जिसे हम पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में जानते हैं, वह एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है ऊर्जा के रूप में। और इसके बगैर जो है हम लोग कोई भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं सोच सकते हैं, या आधुनिक युग में जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर और भी ऊर्जा से संबंधित जो संसाधन हैं उनको चलाने के लिए बिना पेट्रोलियम पदार्थों के हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पेट्रोल के उत्पादन की जो वर्तमान स्थिति है वह क्या है। आप लोगों को पता होगा कि जो ओपेक है वो पेट्रोल के एक्सपोर्ट्स कंट्री का एक संगठन है, जिसे हम ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ के रूप में जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, और उस समय पर इसमें 5 सदस्य थे। वर्तमान में ओपेक में 13 सदस्य हैं। जैसे मैं अगर नाम लूँ तो इसमें अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्विटोरियल गुइना, गैबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और दक्षिण अमेरिका में एक वेनेजुएला इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं। इस प्रकार से वर्तमान में 13 जो सदस्य हैं वो ओपेक में हैं। और इसकी जो चर्चा का विषय है पेट्रोल के संबंध में वह यह है कि यह विश्व के निर्यात का जो एक्सपोर्ट होता है क्रूड ऑयल, उसका 45 से 60% तक कच्चा तेल जो है इसी संगठन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि इनके पास विश्व के जो कुल तेल भंडार हैं, जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल्स है उसका जो तेल भंडार है वह 81.5% इनके पास रिज़र्व है। अर्थात पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादक रिज़र्व के हिसाब से जो देश हैं वो भी यही हैं। आगे चलते हैं, अगर हम एक्सपोर्टर कंट्री वाइज एनालिसिस करते हैं तो वर्तमान में जो स्थिति है वह आप लोग इस जो हमारा एक डायग्राम है उसके हिसाब से देख सकते हैं। इसमें सऊदी अरेबिया जो है टॉप मोस्ट कंट्री है एक्सपोर्टर के रूप में। सेकंड जो नाम है वह रसिया का है, आप यहां पर देख सकते हैं रसिया जो इसको दिखा रहा है, और ये हमारा सऊदी अरेबिया है। तीसरे नंबर पर जो है वो इराक है, और चौथे नंबर पर जो है कनाडा है, इसी रूप में यूएई और कुवैत, कुवैत के बाद में ईरान है, ईरान के बाद नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद में अंगोला और नॉर्वे इसका स्थान आता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईरान, अरेबिया और रसिया में बहुत अंतर है, और सऊदी अरब जो है वो सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री के रूप में उभर कर आया है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो इंपोर्ट करने वाला कंट्री है। आप लोगों को पता होगा लगभग 80% जो क्रूड ऑयल है वो अपनी टोटल खपत का भारत जो है आयात करता है, और उस 80% को किस हिसाब से इंपोर्ट करता है यह जो डेटा है वह जनवरी से मार्च 2020 के बीच से लिया गया है। और इसमें ये कोरोना से जस्ट पहले का एक डेमोग्राफी है इसकी। तो इसमें इराक में जो भारत का एक्सपोर्ट है वह 24% था उस समय पर, और अरब से जो लिया गया था वो हमारे पास 17% था। और इसी प्रकार से अगर हम साउथ अमेरिका में वेनेजुएला की बात करते हैं, कोलंबिया की बात करते हैं, तो उससे 9% है। यूएसए यानी कि स्टेट जो अमेरिका है उसमें 5% का हिस्सा इनसे लिया गया है। तो दोस्तों, इसमें इराक का संबंध 24% से इसलिए है क्योंकि यह इकलौता ऐसा देश है जो भारत के सबसे नज़दीक है, और साथ ही साथ हमारे इसके साथ सामरिक रिश्ते भी जुड़े हुए हैं।
और उसमें आर्थिक रूप से अगर देखते हैं तो क्रूड ऑयल में इकलौता एकमात्र ऐसा देश है इराक, जिसने भारत की करेंसी में इस बिज़नेस को किया है। बाकी जो देश हैं वो डॉलर से करते हैं। इससे जो है जो फॉरेक्स है, जिसे हम फॉरेन रिज़र्व कहते हैं, उस पर असर आता है, लेकिन इराक के साथ ऐसा हमें फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए इसका जो प्रतिशत है वह बढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, वस्तु की अगर हम कीमत के निर्धारण की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जो अर्थशास्त्र है उसमें एक सिंपल सा नियम है, और उसे बहुत बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञात होने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक सिंपल, जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है वह भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। पहली बात है, वस्तु की कीमत जो होती है उसकी मांग पर डिपेंड करती है, अर्थात किसी वस्तु की मांग जितनी ज़्यादा होगी मार्केट में, जितनी वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी और उसकी मांग होगी, खरीदने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों साथ ही साथ जो कीमत है वो सप्लाई पर भी डिपेंड करती है कि मार्केट में मांग तो बहुत अधिक है लेकिन सप्लाई नहीं है, और उसका उत्पादन भी अधिक है, तब भी जो है मांग जो है वो बढ़ जाएगी, और इस आधार पर जो है कीमत वस्तु की बढ़ जाती है। तो वस्तु की कीमत को निर्धारित करने के लिए जो अर्थशास्त्र में नियम अपनाए जाते हैं उसे मांग पूर्ति का नियम कहते हैं। मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, अर्थात ये जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मांग और पूर्ति, जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इस रूप में अगर हम तेल की बात करते हैं तो तेल की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन पूर्ति की बात करते हैं वर्तमान परिदृश्य में आफ्टर कोरोना एज, जिसे हम कोरोना काल के बाद का समय कह रहे हैं, अभी कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर दौड़ना शुरू हो गई हैं, इसलिए हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं आफ्टर कोरोना काल। तो दोस्तों इस समय पर जो स्थिति है वह यह है कि आपूर्ति जो है वो कम हो पा रही है। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या तो बहुत अधिक रेट होगा, या फिर उसकी मांग नहीं होगी, या फिर कुछ और। तो इसी को जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो कीमतें हैं वो 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से हो गई हैं, या चर्चा में हैं, या होने वाली हैं। तो आइए चलते हैं। भारत में तेल की कीमत का जो निर्धारण है वह जो आज मॉडल अपनाया जाता है वह किरीट पारेख समिति के द्वारा अपनाया गया एक मॉडल है। किरीट पारेख समिति जो है यूपीए गवर्नमेंट में स्थापित की गई थी, और इसका संबंध जो था वह यह था कि जो तेल का जो सरकारी नियंत्रण था क्रीट पारिक समिति की अनुशंसा से पहले, वह सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत आता था, और इस प्रकार से जो उतार चढ़ाव होते थे प्रतिदिन वाले वह देखने को नहीं मिलते थे, बल्कि इसके लिए अलग से एक जो संसद में कानून होता था उसके आधार पर इसके रेट या बजट के द्वारा जो है इसके रेट डिसाइड किए जाते थे। लेकिन क्रीट पारिक समिति ने सरकारी नियंत्रण से तेल के कीमतों को मुक्त कर दिया, और इसका सीधा संबंध जो है मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशन से देखा जाता है, जिसमें एक मॉडल अपनाया जाता है। अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इसमें एक व्यवस्था है कि वर्तमान में जो कच्चा तेल है वो रिफाइनरी में जाता है, और इसके बाद ऑयल कंपनी को जाता है। ऑयल कंपनी इस पर लागत, अपना प्रॉफिट जो लाभ है, और साथ ही साथ पेट्रोल पंप को दिए जाने वाले कमीशन को ऐड कर लेती है। इसके बाद इस पर केंद्र सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, और साथ ही साथ जो राज्य हैं जिस राज्य में वह बिक्री के लिए जाता है उस पर वैट लगाया जाता है। तो इस प्रकार के टैक्स उत्पादन होने के बाद भी कहीं कहीं पर लोकल टैक्स भी लगाया जाता है, जो भाड़े के रूप में या फिर किसी चुंगी के रूप में एट्रॉय टैक्स के रूप में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो टोटल जो कॉस्ट है वो लगभग 60% जो पेट्रोल की कॉस्ट है उस पर 60% टैक्स के रूप में वसूला जाता है, और यह बहुत अधिक मात्रा में है। तो तेल की कीमत का जो बढ़ने का एक कारण है वह यह भी है कि यह जो है जीएसटी से मुक्त है, अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, बल्कि इसको जो है अभी वैट के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत में तेल की कीमत का निर्धारण होता है। आफ्टर कोरोना काल कई प्रकार के टैक्स भी जो हैं वो
कई राज्यों ने इस पर लगाए हैं जिसे कोरोना से उबरने के लिए, जैसे आसाम की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से 5 रुपये शायद पर लीटर के हिसाब से उस पर तेल लगाया गया है। इसी रूप में वैट बढ़ा दिए गए थे और अभी फ़िलहाल 3-4 राज्यों ने जो है वो इस पर वैट कम किया है, जैसे राजस्थान उसमें पहला एक राज्य है और दूसरे राज्य आसाम है या और भी कुछ राज्य हैं जो अपने यहाँ पर वैट कम कर रहे हैं और अपेक्षा है कि वहाँ से थोड़ा बहुत इसकी कीमतों में जो है वो आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ये कोई एक स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आखिर सॉल्यूशन क्या है, तो आप देखते हैं वर्तमान में अगर हम कच्चे तेल के उत्पादन की प्रवृत्ति पर चर्चा करें तो दोस्तों कोरोना काल में जो मांग थी वो कैसी हो गई, बिल्कुल कम हो गई। क्यों? क्योंकि यातायात बंद कर दिए गए और पूरे उद्योग धंधे बंद कर दिए गए, उसमें चलने वाले जेन सेट थे वो बंद कर दिए गए। इस रूप में आप देखते हैं तो कोरोना काल में बिल्कुल मांग घट गई थी और लगभग जो टोटल मांग थी वो 20% तक आ गिरी और इस कारण से जो ओपेक कंट्री या फिर जो ऑयल एक्सपोर्ट्स कंट्रीज़ हैं या ऑयल बेस्ड जो क्रूड ऑयल बेस्ड जो इकोनॉमी हैं उनकी हालत चरमरा गई। इसको ध्यान में रखते हुए कोरोना काल के बाद उठाए गए जो स्टेप थे वो क्या थे, तो सबसे पहले अप्रैल महीने में जो बात हुई वो हुई हमारी जो रसिया था उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। रसिया के संबंध में रसिया ने जो है ओपेक से ये बोला कि भई हम तेल में कटौती करेंगे, तो इस रूप में प्रति जो दिन था उसके हिसाब से 93 के आसपास का एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन लगभग आप 90 जनरलाइज कर लेते हैं कि 90 लाख बैरल पर डे कटौती की घोषणा की सऊदी अरेबिया ने, साथ ही साथ ये रसिया की थी, ये जो कटौती थी ये रसिया की थी जो मई महीने में हुई। इसके बाद सऊदी अरेबिया ने 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की अपने टोटल उत्पादन में और इस प्रकार की कटौती का जो क्रम था ओपेक के लगभग सभी देशों ने किया। इससे टोटल जो उत्पादन था क्रूड ऑयल का वो गिर गया और जब उत्पादन कम होगा तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, तो एक कारण यह था। साथ ही साथ जब हम कोरोना काल के बाद देखते हैं तो कोरोना काल के बाद जो अर्थव्यवस्थाएं थीं वो धीरे धीरे पटरी पर लौटना शुरू हुई और इस कारण भी जो मांग थी वो बढ़नी शुरू हुई और इस कारण से आपूर्ति कम हो गई, मांग बढ़नी शुरू हो गई तो दबाव किस पर होगा, कीमत पर होगा, तो इस वजह से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। दोस्तों तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा उठाए गए जो कदम है उसमें रूस के द्वारा उठाया गया कदम और ओपेक देशों के द्वारा उठाए गए कदम ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर हम भारत के सिनेरियो की बात करते हैं तो भारत में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन का ट्रेंड आप लोग देख रहे होंगे, प्रतिवर्ष अगर काउंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा 2 करोड़ जो ऑटोमोबाइल्स हैं लगभग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर मैं 2014-15 की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख एंड करोड़, तो 2,33,00,000 व्हीकल्स, टोटल व्हीकल्स जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और क्वाड्री साइकिल्स, ये सभी के सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इतना लगभग हर साल प्रोडक्शन होता है नए ऑटोमोबाइल्स का, यानी कि नए गाड़ियों का। इसी रूप में 19-20 में भी लगभग ये बढ़कर और बढ़ा और 18-19 में तो 30 था, तो इस प्रकार से आप जनरलाइज़ कर सकते हैं लगभग 2.25 करोड़ के आसपास नए व्हीकल्स जो हैं वो रोड पर आते हैं प्रतिवर्ष भारत के अंदर। और इन सब को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, क्योंकि ये डीजल और पेट्रोल पर आधारित जो यातायात है वो प्रतिदिन
हमें एक्सपोर्ट की ओर भेज रहा है और हमारी जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन रिज़र्व है, उस पर ये दबाव डाल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमतें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, ये प्रवृत्ति बहुत ख़तरनाक है। आगे देखते हैं इसके उपाय क्या हैं। तो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करनी होगी, और निर्भरता कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। हम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आजकल कार पूलिंग की बात चल रही है, या फिर और कुछ मॉडल अपनाए जा रहे हैं, शेयरिंग कार की बात करते हैं, कार पूल की बात करते हैं, या फिर जो पब्लिक कन्वेंस है, जैसे मेट्रो है, जैसे रैपिड रेल्स का कंसेप्ट है, इस टाइप के जो कंसेप्ट हैं वो आ रहे हैं। साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल से संबंधित हम नेचुरल गैस पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, तो उससे संबंधित है। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ऊर्जा के नए नए विकल्प अपनाए जा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये किया भी जाना चाहिए, अगर ये स्थिति रही तो पेट्रोल के दाम कम होने के बजाय और बढ़ेंगे। एक और उपाय किया जा सकता है, पेट्रोलियम उत्पाद को GST में शामिल किया जा सकता है। GST का जो रेट है, GST काउंसिल डिसाइड करती है, जो प्रतिदिन वेरी नहीं करता है, और इस प्रकार से पेट्रोल के दामों को जो है वो फ्लक्चुएशन से रोका जा सकता है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले। आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो एनर्जी का यूज़ है वो अलग अलग फॉर्म में है। अगर हम 2018 के डेटा की बात करते हैं तो 2018 में लगभग जो एनर्जी का वो है, जो थर्मल पावर से हमें यूज़ की जाती है, जो NTPC के द्वारा बनाई जाती है, उसमें लगभग 63.84% का थर्मल एनर्जी से लिया गया है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी में लगभग भारत ने 1.95% के आसपास का योगदान दिया है। इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रो पावर की बात करते हैं, जो पानी शक्ति की बात करते हैं, हाइड्रो का जो इस समय पर योगदान है वो 13.09 यानी कि लगभग 13% के आसपास इसमें रखा गया है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें वर्तमान में 21.12% का योगदान है। इस एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं और इसको बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि भारत में अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी, और आपको पता होगा कि 2030 तक जो है 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा स्वच्छ स्रोतों से। जो फॉसिल फॉयल्स हैं, जिसे हम क्रूड ऑयल के रूप में जान रहे हैं, या फिर उससे संबंधित जो गैस हैं उससे संबंधित है, तो इसको कम करके हम 40% जो बिजली उत्पादन करेंगे वो स्वच्छ स्रोतों से करेंगे, जिसमें विंड मिल्स हो सकती हैं, सोलर वो हो सकती हैं। आप लोगों को पता होगा भारत सरकार ने 2022 में एक लक्ष्य रखा था, 2022 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा कि 175 GW का जो है वो टारगेट रखा गया था नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए। इसमें 100 गीगावाट का जो उत्पादन था वो सौर ऊर्जा से संबंधित है, 60 का अगर हम बात करते हैं तो विंड एनर्जी से संबंधित है, 10 GW की बात जो है वो बायो पावर से संबंधित है, और 5 GW की जो बात है वो छोटी पनबिजली, जैसा अभी आप लोगों ने सुना हो यहाँ उत्तराखंड की जो त्रासदी है उसमें अभी हाल ही में वो बह गया एक डैम, तो इस टाइप के छोटे छोटे जो डैम बनाए जा रहे थे हाइड्रो पावर्स के, वो इसमें 5% का योगदान देंगे 175 GW एनर्जी में। तो दोस्तों, इस प्रकार के पैटर्न को और बढ़ाना पड़ेगा, और भारत सरकार ने जैसा 2030 में मैं बात भी कर रहा था 40% ग्रीन एनर्जी से जो है वो बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है भारत सोल एनर्जी से जो 5वें स्थान पर है ऊर्जा उत्पादन में, और पवन की दृष्टि से अगर बात करते हैं, विंड की दृष्टि से, तो वो अपने यहाँ पर अभी 4थे स्थान पर है। दोस्तों, इस प्रकार की और भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे गोवर्धन योजना, या फिर बायोमास जो रिसोर्स हैं उनको बिजली उत्पादन में डालना। बायोमास के अंतर्गत आप लोग रख सकते हैं गन्ने की जो खोई होती है, या चावल की भूसी होती है, या जैसे पंजाब हरियाणा या फिर जो चावल उत्पादक देश हैं वहाँ राज्य हैं वहाँ पर पुआल है, या फिर जो कपास पैदा करने वाले जो राज्य हैं वहाँ पर उनकी डंठल्स जो होती हैं उन सबको जो है एक बदलने का तरीका है।
और नीति आयोग ने इस प्रकार के उसमें जो है और भी बदलाव किए हैं। नीति आयोग के अनुसार जो है मेथेनॉल को बढ़ावा देने की बात की गई है, और वह इस जो मेथेनॉल है 2030 तक जो है उसके द्वारा अगर वो प्रयोग करेंगे जो कोयले से या पेट्रोलियम गैस है या जो नेचुरल गैस है उसको अगर मेथेनॉल में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से क्रूड ऑयल के जो उपयोग है उसमें 10% की कमी हो सकती है। नीति आयोग का ऐसा भी कोई विचार है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये है कि जो बढ़ती प्रवृत्ति है पेट्रोल की वह जारी रहेगी। कुछ हाल फिलहाल में राहत मिलने के संभावना हो सकती है कि सरकार इस पर कुछ विदेशों से अलग अलग जो देश हैं एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ समझौता करने में सक्षम हो। अभी कोई नज़रिया दिखता नहीं है, और आने वाले समय में अगर अभी कुछ राहत मिल भी जाए तो ये दबाव लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्रूड के जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं और जो कंट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट कंट्रीज़ उनका एक तरीके से ये उत्पादन जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां ज़रूर होंगी, इसीलिए भारत सरकार जो है लगातार जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले अंक में, एक अगली क्लास में, और मुझे आशा है कि आज की जो ये इन्फॉर्मेटिव क्लास है आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार के एक रोचक और जो नॉलेज से भरा हुआ क्लास है वो पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं, और आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।